कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। मशीन अचानक रुक गई मैनेजर साहब। अचानक रुक जी? हर रोज कोई ना कोई मशीन रुक जाती है, लगता है मुझे तुम लोगों की तनख्वाहें रोकनी पड़े। इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो मशीन है साहब, कभी भी खराब हो सकती है। जिस दिन तनख्वाह रोक दी जाएगी उस दिन खराब नहीं होगी। ये सब तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा है। कौन था इस मशीन पर? मैं था साहब। तुम थे तो ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह से इस मशीन को ठीक करवाने के पैसे काटे जाएंगे। बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो इसीलिए अमीरों से चलते हो और जानबूझकर उनका नुकसान करते हो। ये क्या कह रहे हैं साहब? जानबूझकर अपनी रोजी को कोई लात नहीं मारता साहब। खामोश! तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा था? आधे पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। स्काउंडल्स! हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, चलो हड़ताल करेंगे। आज फिर तुम लोगों ने मैनेजर साहब से लड़ाई की? झगड़ा तो उन्होंने किया है साहब, हम यहाँ काम करने आते हैं, मार खाने नहीं। तनख्वाह से पैसे भी काटे जाएंगे, मार भी खानी पड़ेगी। आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? तुम फिक्र न करो, मेरे यहाँ रहते कोई अन्याय नहीं होगा। तुम लोग जाकर अपनी तनख्वाह लो, मैं मैनेजर साहब से बात करता हूँ, जाओ। मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त। जिस मजदूर पर मैंने हाथ उठाया उसको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना वर्मा जी? हाँ जी। बाकी मजदूर भी खुशी खुशी अपनी तनख्वाह ले गए, लेकिन आपने शिकायत सबको है मिस्टर गुप्ता। तनख्वाह उन्होंने मेरे कहने पर ली और मैंने तनख्वाह इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। क्या ये बात वो लोग जानते हैं? अभी बताता हूं, आप खुद देख लीजिए। न जानते
तो आपके दफ्तर के सामने इकट्ठे ना होते। लगता है आपने इन सबको भड़काया है। आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए, इनसे कहिए घर चले जाएं। पहले आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। शायद आप भूल रहे हैं मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बिल्कुल नहीं भूला मैनेजर साहब, लेकिन मालिक को भी मजदूर पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं। ऑलराइट, आई शुड डील विद यू लेटर। बड़ी माँ, क्या है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मजदूरों का भड़काता है। आप उसे नौकरी से निकाल दीजिए बड़ी माँ। आजकल किसी को नौकरी से निकाल देना आसान नहीं, और फिर सिद्धार्थ एक होशियार इंजीनियर है, मजदूर भी उसे पसंद करते हैं। क्योंकि वो उनकी तरफदारी करता है। और तुम उनके साथ अन्याय करते हो, हालांकि उनका बुरा भला देखना तुम्हारा काम है। जी बड़ी माँ, लेकिन न्याय के रास्ते पर चलने वाला हमेशा नापसंद किया जाता है। आजकल मजदूरों की मांगे पूरी करना आसान नहीं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। जो लोग कम तनख्वाह पर काम करते हैं उनकी मांगों पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। शायद इसीलिए सिद्धार्थ उनका साथ देता है। मीता जी, उनमें से किसी एक को बुला लो। अच्छा। चिल्लाइए मत, बड़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इन लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ। तो फिर आप मेरे साथ चलिए। जाइए इंजीनियर साहब, जाइए। अपनी तरफ से हम भी आपको भेजना चाहते हैं। जाइए। बड़ी माँ नमस्ते। आओ बैठो। तुम फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर हो ना? जी हाँ। सुना है मजदूर तुम्हें बहुत चाहते हैं। जी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन क्या, लोग अगर तुम्हें चाहते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं। और फिर जो दूसरों का ख्याल रखता है उसे सभी लोग चाहते हैं। जी मैं इस तारीफ के काबिल नहीं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनका ख्याल रखना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब तक मुझे कोई दूसरा मैनेजर नहीं मिलता मैं फैक्ट्री का भार तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। लेकिन गुप्ता जी, अब वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। जब से मैनेजर हुआ है हमेशा मजदूरों की शिकायत करता रहता है, और आज जब मजदूर अपनी शिकायत लेकर यहाँ आए हैं वो मुंह छुपा रहा है। अब वो जमीन जायदाद का काम देखेगा और तुम फैक्ट्री का। जैसा आपका हुक्म मिसेस चौधरी। मिसेस चौधरी नहीं, बड़ी माँ कहो, तुम मेरे बेटे के समान हो। मजदूरों से कह दो कि आज से उनका बुरा भला मैं खुद देखूंगी। जी लेकिन आपकी सेहत? इसकी तुम परवाह मत करो, मेरी तरफ से ये काम मीता देखेगी। मीता कल से तुम फैक्ट्री जाना। जी बड़ी माँ। अच्छा चलता हूँ। सब काम ठीक चल रहा है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए। मजदूर बड़ी माँ से बहुत खुश हैं। और आपसे? मैं तो खुद मजदूर हूँ। तब तो आपसे दूर रहना पड़ेगा। मजदूरों से दूर रहकर आप फैक्ट्री नहीं चला सकेंगे। लगता है आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। साहब, नमस्ते साहब। क्या बात है? अब वो पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत दूर जाना पड़ता है। अब नहीं जाना पड़ेगा, मैंने इस कॉलोनी में दो और नल लगा देने का इंतजाम कर दिया है। जी बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए। साहब आपके लिए टेलीफोन। अगर एतराज न हो तो एक प्याली चाय पी के जाइए। नहीं आज देर हो गई, मैं कल जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नीता बिटिया का मजदूरों से इतना मिलना जुलना ठीक नहीं बड़ी माँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं,
मीता जो कुछ भी कर रही है मेरी मर्जी से कर रही है। ये तो मुझे मालूम है, मगर मजदूर ऐसी बातों से फायदा उठाते हैं। और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, यही ना? नहीं, हाँ नहीं, मैंने इतने साल फैक्ट्री में काम किया है कि... इसीलिए तुम्हारे वहाँ इतने दुश्मन हैं। नहीं तो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। सो तो है। दूसरों की शिकायत करना तुम्हारी आदत है। हाँ। तो आप ऐसे स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का? मुझे चाय पर बुलाया और आप खुद गायब। माफ कीजिए, फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई थी इसलिए। आइए आइए, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। अरे चंदू छुट्टी पर है। नहीं, मैं बनाती हूँ। ये कुत्ता आपका बहुत प्यारा है। अरे इसका परिचय तो मैंने कराया ही नहीं। ये लूसी है। लूसी? अगर आपको नाम पसंद नहीं तो आप बदल दीजिए। मैं कैसे बदल सकती हूँ, ये तो आपका कुत्ता है। चलिए आज से आपकी हो गई, आप इसे घर ले जाइए। आपको अपने मित्र से बिछड़कर दुख नहीं होगा? मित्रों को कुछ देते हुए दुख नहीं, खुशी होती है। तो आपने मुझे मित्र मान लिया। सिद्धार्थ बाबू की याद आ रही है? घबराओ नहीं, मैं उनसे अभी बात करवा देती हूँ। आपसे बिछड़कर लूसी दुखी हो गई। और आप? मैं आप ही अंदाजा लगा लीजिए। तो मैं आ जाऊं? नहीं नहीं, कल पहाड़ी पर चलेंगे ना। अच्छा। क्योंकि मेरे माता पिता ढाका में रहते थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, तब मैं इस दुनिया में नहीं थी। अच्छा। बड़ी माँ ने हमारे परिवार की बहुत सहायता की। अरे मैं तो आज तक यही समझता था कि आप उनकी बेटी हैं। ऐसे समझिए, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मैं उनके बहुत आभारी हूँ। बड़ी माँ वाकई महान है। मेरे लिए तो देवी है, साक्षात सरस्वती। उन्होंने ही मुझे विद्या दान की। बचपन में ही मुझे अपने भाई के पास बॉम्बे भेज दिया और पढ़ाई खत्म होते ही मुझे अपने पास वापस बुला लिया। तो आप ग्रेजुएट हैं? एमए हूँ। एमए? कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। ओ, तभी बड़ी माँ ने फैक्ट्री की देखभाल का काम आपको सौंपा है। वो तो आपको सौंपा है। मुझको? मुझे तो सिर्फ आप पर नजर रखने के लिए कहा है। नजर इनायत रखिए तो मेहरबानी होगी। कोशिश करूंगी। चंदू जी। साहब उठिए। जी नहीं दीदी, वो अभी तक सोए हैं। आप अंदर जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं मुझे दे दो, मैं खुद बना लूंगी। ठीक है दीदी, तब तक मैं बाजार होके आता हूँ। अच्छा।
सोया सोया मीत ऐसा ही गीत सुनकर जागे। मीता कल से तुम फैक्ट्री नहीं जाओगी। अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, सब लोग यहीं रुकेंगे, उनके रहने सहने का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। ओ, जी अच्छा। राय साहब के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवा देना, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। जी, सब इंतजाम आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा बड़ी माँ। ठीक है, लो ये चिट्ठियाँ पोस्ट करवा दो। अच्छा। हेलो मामा जी। हेलो मीता, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मैं दादी से ऊपर मिलकर आता हूँ। जी हाँ।
नमस्ते जी। नमस्ते जी। मिसेस चौधरी दिखाई नहीं देती। ब्लड प्रेशर के स्ट्रोक की वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था, इसलिए चलना फिरना मना है। चलिए। वैसे तो ठीक है ना? ओ अंकल, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। आप लोग आराम कीजिए, वो आप लोगों से जरूर मिलेंगे। मैं उनकी तरफ से माफी चाहती हूँ। चलिए अंकल। बड़े माँ ने कहा है आपको ऊपर ठहराने के लिए। थैंक यू बेटी, लेकिन मैं सबके साथ नीचे ही ठहरूंगा। हम सब एक साथ आराम से रहेंगे। चल, कहाँ इंतजाम किया है? दीदी, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, जल्दी से खुश हो जाओ। कैसी खबर? डॉक्टर सेन कह रहे थे आलोक का बिल्कुल ठीक हो गया है, बहुत जल्दी घर आ जाएगा। मेरी तो आंखें उसे देखने के लिए तरस गई। बड़ी माँ, सब मेहमानों को उनके कमरे में ठहरा दिया है, लेकिन रॉय अंकल ऊपर वाले कमरे में नहीं ठहरना चाहते। वो जहाँ भी चाहते हैं उन्हें ठहरा दो। जी। मैं जानती थी वो ऊपर वाले कमरे में कभी नहीं ठहरेंगे। पर क्यों? दिलीप, तुम तो जानते हो इतने बरसों से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी तो नहीं आए। लेकिन इसकी कोई खास वजह? बहुत दिनों की बात है, जब तुम छोटे से थे, राय साहब अपने पिताजी के साथ हमारे यहाँ आया करते थे। वो मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर हमारी कुंडलियाँ नहीं मिली, इसीलिए पिताजी ने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने हमारे घर आना छोड़ दिया, फिर वो विलायत चले गए और वहां से बैरिस्टर होकर वापस आए। मेरी शादी के 10 साल बाद एक बार वो फिर हमारे यहाँ आए। आओ अनुपम, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। करुणा, करुणा, तुम आप यहाँ? हाँ रंजीत, मुझे पकड़ के ले आया। विलायत में हम दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे। फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माफी चाहता हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा। अनुपम, ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। आज से तुम मेरी कंपनी में एक डायरेक्टर की हैसियत से काम करोगे। आज जो कुछ भी मेरे पास है तुम्हारी दी हुई भीख है। अगर करुणा मुझे ना मिलती तो ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, ये हवेली, ये फैक्ट्री कुछ भी ना होता। ये तुम क्या कह रहे हो रंजीत? शादी ब्याह संयोग से होते हैं, किसी की दया से नहीं। नहीं अनुपम, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। सच यही है कि करुणा तुम्हारी पत्नी और आलोक तुम्हारा बेटा है, बाकी सब झूठ है। और उस दिन तुम्हारे बहनोई को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि अनुपम मुझसे प्यार करते थे, उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा था। वो मेरे प्यार को किसी की दी हुई भीख समझते थे। और उसके कुछ दिन बाद एक दिन मुक्ति। उस दिन के बाद आलोक की दिमागी हालत। कौन? मैं अंदर आ सकता हूं? आप? अब तुम्हें भी अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है। दीदी, मैं नीचे जाकर देखता हूं मेहमानों को तकलीफ तो नहीं। बैठो। कैसी हो? सुना है चलना फिरना बिल्कुल मना है। हाँ अनुपम, बस यूं समझ लो जब तक गाड़ी चल रही है ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो? आलोक घर आ जाएगा तो तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। बस उसी दिन के लिए तो जी रही हूँ। तुम बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दूसरों को तलाक दिलवाने से फुर्सत ही नहीं मिली। वकील हूँ ना। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। मैडम चेयरमैन, जब से सिद्धार्थ शर्मा ने फैक्ट्री का काम संभाला है हम लोग भी खुश हैं और मजदूर भी। मेरी राय में उन्हें परमानेंट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। व्हाट डू यू से जेंटलमैन? हम लोग आपसे पूरी तरह सहमत हैं।
जी हाँ बिल्कुल। सुनिए सर, सर आप परमानेंट मैनेजर हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। मैं तो उस दिन के ख्वाब देख रही हूं जब मीता इस घर की बहू बनेगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मीता खूबसूरत भी है और समझदार भी, और आजकल भी तो सारा घर उसी ने संभाल रखा है। सिर्फ घर ही नहीं, फैक्ट्री की देखभाल भी वही करती है। ये तो और भी अच्छा है दीदी, आलोक को बिजनेस संभालने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दीदी मैं कल जाकर उसे ले आऊं। हाँ मगर डॉक्टर से पूछ लेना कि आलोक की शादी अभी करना ठीक है या नहीं। प्लीज सॉरी डॉक्टर साहब, दीदी आलोक की शादी करना चाहती हैं, आपकी राय में? मेरी राय में तो कोई हर्ज नहीं, उसे एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी चाहिए, एक आम आदमी की तरह। हाँ ये बहुत जरूरी है कि वो थैंक यू जिस लड़की से शादी करे वो अपनी हस्ती को, अपनी एग्जिस्टेंस को उस पर निशावर कर दे। है कोई ऐसी लड़की? जी हाँ थैंक यू। वैसे दीदी की निगाह में है एक ऐसी लड़की? हाँ तब तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि आलोक जैसे आदमी बहुत ही पजेसिव होते हैं, थोड़ा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है डॉक्टर साहब आलोक अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ? नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन ट्रोमा की बीमारी के बाद लोग अक्सर सेल्फिश हो जाते हैं। हाँ आलोक के साथ भी यही बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आलोक बाबू इनकी गाड़ी लेके भाग गए। क्या आपने रोका नहीं? रोका था लेकिन कहने लगे मामा की गाड़ी बहुत दिनों से नहीं चल रही। माय गॉड, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। फिक्र ना कीजिए, उसने आपकी गाड़ी पहचान ली है, इट्स अ गुड साइन। आज मामा आ रहे हैं लेकिन मैं उनके साथ घर नहीं जाऊंगा। मेरी गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी मिली, आसपास पूछताछ करने पर पता चला आलोक ट्रेन से बंबई चला गया है। बंबई चला गया? लेकिन टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए? दीदी मैं अपना ब्रीफकेस गाड़ी में ही छोड़ गया था और उसमें काफी रुपए थे। ओह, तो अब क्या करें? उसे ढूंढने के लिए बंबई जाना होगा, लेकिन किसी ऐसे आदमी को भेजना पड़ेगा जिसे आलोक पहचानता ना हो। तो ऐसा करो अपने नए मैनेजर सिद्धार्थ को भेज दो, उस पर भरोसा भी किया जा सकता है और आलोक उसे पहचानता भी नहीं। लेकिन इससे घर की बात बाहर जा सकती है और फिर आलोक की शादी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मगर सिद्धार्थ को यह सब बताने की जरूरत नहीं कि आलोक बीमार था। हमें इस काम के लिए एक होशियार आदमी की जरूरत है और सिद्धार्थ काफी होशियार है। ये उसकी तस्वीर है, मुझसे जरा सी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। सुना है आजकल बंबई में है मगर कहाँ है मुझे मालूम नहीं। वैसे जब भी वो बंबई जाता है सन एंड सैन में ठहरा करता है। मैं उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा माँ जी। मैं जानती हूँ बेटे, मगर घर की बात घर ही में रहना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ माँ जी, ये बात इन दीवारों के बाहर नहीं जाएगी। मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, अगर उसकी कोई भी खबर मिले तो मुझे बॉम्बे में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये रहा मेरा कार्ड। जी हाँ नमस्ते माँ जी। जीते रहो। अरे तुम? ये किताब वापस करने आई हूँ मैं।
झूठ ही बोल दिया होता मुझसे मिलने आई हो। सच तो यही है, किताब वापस करना तो बहाना था। कब तक बहाने बनाती रहोगी? सुना है आप बॉम्बे जा रहे हैं? सिर्फ दो चार दिन के लिए। ये किताब? इसे अपने पास ही रखो ताकि दोबारा आने का बहाना तो रहे। Excuse me, ma'am. Yes, sir. Well, if you don't mind, मुझे किसी सिंगल रूम में शिफ्ट कर दीजिए। I am sorry, sir. इस वक्त कोई सिंगल रूम खाली नहीं है। We are really sorry, sir. Oh. डबल रूम बहुत महंगा पड़ता है। वैसे मुझे कुछ दिन और रहना ही यहाँ। माफ कीजिए, अगर आपको एतराज न हो तो मैं ये डबल रूम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। दोनों का खर्च कम हो जाएगा। नहीं, मुझे वैसे कोई इतराज तो है नहीं, लेकिन आपका परिचय? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ शर्मा, मैं मैजिक शोज करता हूँ। मैजिशियन हूँ। ओह, आप मैजिशियन हैं? जी हाँ। तब तो आपके साथ जरूर रूम शेयर करूंगा मैं। लेकिन आपने अपना परिचय? मेरा नाम खन्ना है। खन्ना? रमेश खन्ना। रमेश, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस? गुड। तो मैं आपके साथ डबल रूम में रहूंगा। आप चलिए, मैं भी आता हूँ। ओके, सी यू। सुनिए। यस सर। मेरा सामान आप इनके कमरे में भेज दीजिए। तुम्हारा पत्ता इस लाइन में है? इसमें? इस लाइन में? इसमें है। ये बेगम तुम्हारी है। वंडरफुल। लेकिन इससे अच्छा जादू तो मैं दिखा सकता हूं। अच्छा, दिखाइए। इसमें से कोई भी पत्ता उठा लो। अच्छा, देख लो। देख लिया। ठीक से देख लो। जी हाँ। अब कहीं भी डाल दो। डाल दिया। ये रहा तुम्हारा पत्ता। ईंट का बादशाह। करेक्ट। वाह, क्या बात है। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल करेक्ट, यही तो असली मैजिक है मिस्टर। जी हाँ, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूं। जी अच्छा, मैं अभी आता हूं। कौन था? एक नई पार्टी है, वो अपने क्लब में मेरा मैजिक शो रखना चाहती है। उन्हें यहां बुला लेते। जरूरत मेरी है रमेश। अच्छा ठीक है, उनसे कह देना तुम्हारे साथ और भी एक मैजिशियन है। जरूर कह दूंगा। और सुनो, जल्दी लौट आना वरना मैं बोर हो जाऊंगा। जल्दी लौट आऊंगा बॉस। अरे बॉस तो तुम हो, मैं तो तुम्हारा असिस्टेंट हूं। असिस्टेंट? अच्छा, तो उसने अपना नाम तुम्हें रमेश खन्ना बताया? जी हाँ, इसलिए तो ढूंढने में देर हो गई। वैसे खुश तो है ना? किसी से नाराज वाराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अपना खास दोस्त समझता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ सिद्धार्थ, तब तो वो तुम्हारे कहने से घर वापस आ सकता। जी अभी नहीं, मौका देख कर कहूंगा, वरना बात बिगड़ सकती है। जैसा ठीक समझो करो। देखिए, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। प्लीज डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अब इजाजत दीजिए। नहीं 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 भाई, इजाजत तो तुम्हारी मामी ही तुम्हें दे सकती है। उसने घर पर तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आओ चले। आओ। देखिए, अगर आपके यहाँ खाना खाया तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्या मतलब? आलोक मेरे बगैर खाना नहीं खाएगा। क्यों?
वो तो एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता, यहाँ भी उसे झूठ बोलकर आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। देखो कोशिश करते रहो, आलोक जितनी जल्दी घर आ जाए दीदी को उतनी खुशी होगी। नमस्ते। अच्छा जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। क्या करूं रमेश, मुझे आने में कुछ देर हो गई। कुछ देर कह के कहते जल्दी आऊंगा, आ रहे हो 3 घंटे बाद। माफ करना रमेश, आई एम रियली वेरी सॉरी। जानते हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? मैं एकदम तनाव महसूस करने लगा, मेरे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, एक घुटन सी महसूस होने लगी और मैं एकदम अकेला हो गया। दोस्त वादा करो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हम कुछ दिन इकट्ठे इस होटल के कमरे में रहेंगे, फिर तुम कहीं हम कहीं। नहीं, हरगिज नहीं, हर वक्त तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा मतलब है काम नहीं करूंगा तो चलेगा कैसे? मैजिक देखा कि तुम कितना कमा सकते हो, 1,000, 1,500, 2,000, मैं तुम्हें 2,500 दूंगा, लेकिन अब जाने नहीं दूंगा। लेकिन ये 2,500 रुपए तुम मुझे दोगे कहां से और किस लिए? तो सुनो, मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री और मिल का मालिक हूं, मैं तुम्हें वहां का मैनेजर बना दूंगा, फिर हम दोनों मिलके नहीं वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, वहां जाकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है। हो सकता है तुम्हें भी वो जगह पसंद ना आए, हो सकता है तुम्हें भी वो जगह पसंद ना आए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग चले आएंगे, तुम अपना मैजिक दिखाते रहना और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। तो फिर चलिए आलोक साहब। आलोक साहब? जी हां, राघवपुर चलें। राघवपुर? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, राघवपुर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जिस फैक्ट्री या मिल का आप जिक्र कर रहे हैं उसी का मैं मैनेजर हूं, और जिस काम के लिए आप मुझे 2,500 रुपए देना चाहते हैं उसी के लिए बड़ी मां मुझे 3,000 रुपए देती हैं। उन्होंने मुझे यहां भेजा है आपको घर वापस ले जाने के लिए। नहीं हरगिज नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे तो फिर हम दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? अब मालूम हुआ आप दोस्ती नहीं सौदा करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए जाऊंगा मां से मिलने, मंजूर है? मंजूर। हाँ
कैसे हो बाबू? आपने मुझे पहचान लिया साहब? पागल हूं क्या जो तुझे न पहचानूं? चलो दोस्त, दोस्त मेरा बचपन यहीं गुजरा है, इसी आसमान के नीचे, इसी आबादी में, इसी हरियाली में। ये सड़क भी जानती है मेरे कदमों की आहट। यहाँ के हर फूल की खुशबू मेरे सांसों में बसी हुई है आज भी। बचपन में मैं, पिताजी और माँ यहाँ अक्सर घूमने आया करते थे और काफी देर इस दरिया के किनारे घूमा करते थे। बरसात में यहाँ बहुत मजा आता था दोस्त, लेकिन उस दिन बाबूजी पानी कितना गहरा है। मुक्ति देता हूँ करुणा। अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बाबू, गाड़ी तेज चलाओ। जी दोस्त, मैं 24 घंटे के ऊपर एक मिनट यहां नहीं रहूंगा। मां से मिलकर मैं कल ही बंबई चला जाऊंगा। मालिक कैसे हो रामू? आपकी दया है मालिक। सामान ले। जानती नहीं, ये बड़ी माँ के इकलौते बेटे हैं। अच्छा, यही है वो? माँ। अलोक बेटा, अलोक बेटा, तू तो अपनी माँ को बिल्कुल भूल ही गया। नहीं माँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ माँ, अच्छी तो हो ना? अब तू आ गया है तो मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। माँ, तुम्हारा वो जादूगर है ना? कौन जादूगर? वही सिद्धार्थ जिसे तुमने भेजा था मुझे लाने के लिए। बहुत कमाल का आदमी है, पहली ही मुलाकात में मेरा दोस्त बन गया, खींच के ले आया मुझे। माँ, अपने घर में वो लड़की कौन है? लड़की? अरे हाँ, वो मीता। नए दोस्त मिल गए तो हमें भूल ही गए। नहीं, बात कुछ और ही है। दोस्त, मैं मैजिक से आपका नाम बता सकता हूं। बताऊं? मीता, करेक्ट? बिल्कुल ठीक। वैसे मैं मैजिक से अपना नाम भी बता सकता हूं, आलोक। नमस्ते। इनका असिस्टेंट हूं। एक्सक्यूज मी, दोस्त। तुम इसे जानते हो? मैं इस घर में सबको जानता हूं।
चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। कैसा लगा मेरा बेटा? बहुत अच्छा, जैसा जैसा आपके बेटे को होना चाहिए। माँ। हाँ। नमस्ते माँ जी। ओह सिद्धार्थ। माँ, ये तो तुमसे मिले बगैर ही चला जा रहा था, मैं पकड़ के ऊपर ले आया। बहुत अच्छा किया तुमने। माँ जी वो क्या है? माँ अब ये सिर्फ तुम्हारा मैनेजर ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। माँ जी ये कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ 24 घंटे ठहरेंगे। क्या? नहीं माँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुझे तो यहाँ रहना पसंद ही नहीं था। नहीं माँ ये बात नहीं है, और बात जो भी हो अब तो मैं, ये सब इसी का जादू है, इससे अच्छा मैनेजर कहीं नहीं मिलेगा। माँ जी चलता हूँ, फैक्ट्री में काम है। अरे ये कैसे हो सकता है, हम सब साथ ही खाना खाएंगे, क्यों माँ? हाँ हाँ सिद्धार्थ। क्या हुआ? मैं गाना तक नहीं सुन सकता, वो भी ऐसे खूबसूरत मौके पर। इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो दोस्त, जिंदगी में खुश रहने का एक और भी तरीका है, समझौता कर लो। मकसद गाना सुनने से है ना, मीता से सुन लो। मीता तुम गाती हो? तो फिर सुनाओ ना कोई प्यार भरा गाना। प्यार भरा गाना? प्यार की परिभाषा समझते हैं आप? प्यार की परिभाषा प्यार प्यार है। प्यार है प्यार और कुछ भी नहीं,
का राज तो मैं भी नहीं जानता था। माँ क्या बताऊँ, माँ मीता बहुत अच्छा गाती है। मीता सचमुच बहुत ही गुणी लड़की है। मैं सोचती हूँ अगर मीता ना होती तो मैं क्या करती। हाँ वही तो, मेरे जीवन में हलचल सी मच गई है। क्या मैं मीता से प्यार करने लगा हूं? उसे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अरे इतनी रात गए तुम यहाँ? आजकल आप दोनों दोस्त हर वक्त साथ ही रहते हैं, मुझे आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तुम भी तो हमारे साथ रहती हो। कब आप में हड्डी की तरह। खैर छोड़िए ना, ये प्रेम पत्र किसका है? लो खुद पढ़ लो। हमने एक लड़की देखी है, लड़की सुंदर पढ़ी लिखी और तुम्हारी योग्य है, खानदान भी अच्छा है। तुम आकर लड़की देख लो तो हम बात पक्की कर दे। तुम्हारा पिता दीनानाथ शर्मा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बात तो खुशी की है लेकिन कुछ गड़बड़ है। वो क्या? मैं अपने लिए लड़की देख चुका हूं। कौन है? है एक, क्या तुम नहीं जानती? तुम पिताजी को क्या लिखोगे? जो सच है वही लिखूंगा। बड़ी माँ से नहीं पूछोगे? वो काम तुम्हारा है। मुझसे नहीं होगा, तुम अपने दोस्त से कहो ना। माँ तुम ही बात कर लो ना मीता से। वो जमाना गया बेटे, जब माँ बाप बच्चों की शादी तय करते थे। अगर मीता तुझे इतनी ही पसंद है तो खुद क्यों नहीं बात कर लेता? ठीक है माँ, मीता जी, मीता मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए ना। आओ। मीता मीता तुमसे मिलते ही पता नहीं क्यों मेरे जीवन में एक हलचल सी मच गई। कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि तुमसे कह ही दूं पर आज मौका मिला। दरअसल बात यह है मीता कि अब तो मेरी आशा, मेरे सपने, मेरा आनंद, मेरा सब कुछ तुम ही हो मीता। जिंदगी की सारी खुशियां मुझे तुमसे ही मिल सकती हैं। मैं मीता, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। चलो मां से जाके बात करते हैं। आओ। मां मां देखो ना, ये तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं रही है। लो तुम ही बात कर लो इससे। मीता बेटी मुझे वहां ले चलो। आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तुम्हें इस घर की बहू बनाऊं और तुम इस घर को संभालो। इसीलिए मैंने तुम्हें इस घर की बजाय दलीप के यहां रखा। आज वो दिन आ गया है बेटी
ये रही इस घर की चाबियां, अब तुम ही इन्हें संभालो। लो बेटी। और बड़ी माँ ने मुझे चाबियां दे दी, तुम ही बताओ सिद्धार्थ अब मैं क्या करूं? मीता, भगवान ने इंसान को कई महान भावनाएं दी हैं, जैसे कि स्नेह, प्यार, माया, ममता, लेकिन उनमें से एक ऐसी भावना है जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, और वो है किसी का आभार यानी एहसान मानना। और वक्त आने पर उसकी कीमत चुकाना। तुम पर बड़ी मां के बहुत एहसान है। आज तुम्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन कैसे? उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर। लेकिन हमारे प्यार का क्या होगा? उसे भूल जाना होगा। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने आलोक की बीवी बनने का नाटक नहीं कर सकती। तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, बहुत दूर, हमेशा के लिए। नहीं, सच्चा प्यार सिर्फ मिलन ही नहीं, कभी कभी जुदा भी कर देता है। कीमत चुकाते वक्त रोया नहीं करते, कीमत खोटी हो जाती है। तुम्हारी फोटो में इस फ्रेम में लगा ही रहा था और तुम खुद ही इस फ्रेम में सिमट गई। कहाँ मिली ये फोटो? बस यूं ही एक दिन खींची थी तुम्हारे अनजाने में। ये लो मेरी तरफ से तोहफा। और हाँ, तुम इतनी देर कहाँ थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मालूम है? क्यों, तुम्हारे लिए बहुत ही दिलचस्प खेल लाया हूं मैं। अरे दोस्त, आओ आओ, बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। आज मैं बहुत खुश हूं, जिंदगी की सारी खुशियां आज मेरे बाहों में समा गई हैं। तुम जैसा दोस्त तो था ही मेरे साथ, अब तो मीता जैसी मंगेतर भी मिल गई है। न तुम जबरदस्ती मुझे यहां ले आते, न मीता से मुलाकात हो पाती। अरे शर्मा रही है। मैं एक जरूरी काम से आया हूं। काम 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 तो होते ही रहता है हर वक्त। एक आध इश्क कर डालो ना। काम की बातें कल ऑफिस में करेंगे, फिलहाल मेरा खेल तो देखो। आओ आओ मीता, बैठो यार। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। मिल गई अचानक मुझे
खुशी आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां यार पास है प्यार भी पास है तकदीर सबकी होती है ऐसी कहां मिल गई अचानक मुझे हर खुशी आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां अकेला नहीं कोई कहीं था मेरा हम सफर जीवन की झूनी सी थी ये डगर मैं था अकेला नहीं कोई कहीं था मेरा हम सफर जीवन की झूनी सी थी ये डगर तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे तुमने जो राह सजी मंजिल की मिल गई अचानक मुझे हर खुशी आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां यार पास है प्यार भी पास है तकदीर सबकी होती है ऐसी कहां तो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए सोने के रंग में रंगे ख्वाब ने दो तो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए सोने के रंग में रंगे ख्वाब ने झूमे दिल मगन जीने की लगन बसी मिल गई अचानक मुझे हर खुशी आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां यार पास है प्यार भी पास है तकदीर सबकी होती है ऐसी कहां तकदीर सबकी होती है ऐसी कहां बाप रे इतने सारे कागजात लेकिन ये रहा कंपनी का हिसाब किताब अब ये सब तुम्हें ही संभालना होगा ये क्या कह रहे हो ये कैसे हो सकता है और ये रहा मेरा इस्तीफा इस्तीफा लेकिन क्यों कुछ निजी मजबूरी है लेकिन दोस्त मैं ये तो सब मैं शुरू शुरू में मुश्किल होगी लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है पिताजी अकेले हैं और उन्हें मेरी सख्त जरूरत है दैट्स नो प्रॉब्लम उन्हें यहां बुला लो उनके रहने के लिए बंगले का इंतजाम कर देता हूं और जो चाहिए ले लो मेरा जाना बहुत जरूरी है मुझे मजबूर मत करो तो तुम मेरी शादी में यहां नहीं रहोगे मुझे खबर देना मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा दोस्त अकेला तो मैं भी हो जाऊंगा मगर गुड बाय वापस करने झूठ ही बोल दिया होता मुझसे मिलने आई हो सच तो यही है
किताब वापस करना तो बहाना था। कांटा तो निकल गया ना? हाँ। छोटे सरकार से कहिएगा मेरे बारे में। जी हुजूर। बॉस बहुत। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुनीम जी से मिलने आया था सैलरी के लिए। और ये किसे मिलने आई है? बहुत प्यारी है। मेरा ख्याल है सिद्धार्थ जी की तलाश में आई है। क्यों? जी उन्होंने ही ये पपी मीता को दी थी। सुनो। जी हुजूर। तुम बता सकते हो सिद्धार्थ यहां से अचानक चला क्यों गया? जी मैं कैसे बता सकता हूं, शायद मीता बता सकती है। कल शाम को तो वो उन्हीं के साथ थी। क्या वक्त हो? जी हाँ, वो पहाड़ी पर दोनों साथ थे। अरे हाँ, मीता ये रुमाल वहां भूल गई थी। यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों, यह जगह तुम्हें पसंद नहीं? सिद्धार्थ तो यहीं रहता था। मुझे मालूम है। मेरे साथ यहाँ रहना पसंद करोगी? जी, हमारा बड़ी माँ से दूर रहना ठीक नहीं, उन्हें हमारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। बैठोगी नहीं? मीता, मीता मुझे डर है कि तुम्हें खो ना दूं। भगवान ने इंसान को कई महान भावनाएं दी हैं, जैसे कि स्नेह, प्यार, माया, ममता। लेकिन उनमें से एक ऐसी भावना है जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, और वो है किसी का आभार, यानी एहसान मानना। तुमने जवाब नहीं दिया मीता। जी नहीं खोएंगे। काश आज सिद्धार्थ भी हमारी खुशी में शामिल होता। पता नहीं क्यों अचानक यहां से इस्तीफा देके चला गया। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मैंने ही उन्हें ऐसे जाने के लिए कहा था। तुमने? क्यों? मैं चाहती हूँ आप फैक्ट्री का काम खुद संभालें। उनके यहाँ रहते हुए ये नामुमकिन था। गुड हेवंस। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका पति हर काम के लिए किसी और पर निर्भर हो। मैं अपने पति को गर्व से देखना चाहती हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने फजूल उसे बुला लिया यहाँ। किस लिए? मैंने उस पे कंपनी के हिसाब में बेईमानी का इल्जाम। वो बेईमान नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? वो मैं काफी दिन उनके साथ फैक्ट्री में काम संभालती थी। और काम संभालते संभालते तुमने उसे भी संभाल लिया। बहुत अच्छे।
आओ आओ दोस्त, तुम्हारा ही इंतजार था। कैसे हो? आओ वहां। पहले ये बताओ कि कंपनी के हिसाब में मैंने कौन सी बेईमानी की? इस झूठे इल्जाम का क्या मतलब? मतलब तो सिर्फ मैं जानता हूं। झूठ, एब्सोल्युटली झूठ। तुम्हें यहां बुलाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। सीधे सीधे बुलाता तो तुम आते। अरे आप लोग एक दूसरे से दुआ सलाम नहीं करेंगे? आखिर इतने दिन साथ साथ काम संभाला है तो ऐसी भी क्या बेरुखियां। सिद्धार्थ। मां तुम आ गए बेटे। मैं जानती थी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अलोक की शादी में ना आओ। सारा इंतजाम तो तुम ही को करना है। ऑफ कोर्स, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा मां? आखिर मेरा जिगरी दोस्त है। क्यों बॉस? सिद्धार्थ तो आ गया, मेरी शादी पर भी यही होगा। झूठ सच मालूम करने का अब यही मौका है। तुम लोग मेहमानों की लिस्ट बना लो और इनविटेशन कार्ड छपने के लिए दे दो। बड़ी मेहनत हो रही है। हाँ बेटे, तुम्हारी शादी। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? आज तो फैक्ट्री बंद है। नहीं माँ, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी स्कीम सोची है मैंने। नहीं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। मामला जम जाए तो सबको सरप्राइज कर दूंगा। वैसे नीता भी तो चाहती है कि फैक्ट्री का सारा कारोबार मैं ही संभालूं। अच्छा? हाँ माँ, अपने पति को वो गर्व से देखना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर तुम जल्दी लौट आना, तुम्हारी शादी। हाँ माँ। अरे दोस्त, जब तक मैं वापस ना आऊं फैक्ट्री का सारा काम तुम्हें ही देखना होगा। अच्छा अच्छा माँ, मीता सिद्धार्थ का ख्याल रखना। हाँ तो बेटा लिखो।
आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आना तो नहीं चाहिए था, मगर क्या करूं, तुम्हारी आवाज की कशिश मुझे यहां खींच लाई। तुम नहीं आते तो तुम्हारे पास मैं ही चली आती। सिद्धार्थ, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये जो कुछ भी हो रहा है धोखा है। ये पर्दे के पीछे से कोई हमारी बातें सुन रहा है। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से 322 330 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हिसाब कर रहा हूँ, छोटे सरकार का हुक्म। आप कहे तो चले जाऊं। तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कल तुमसे ऑफिस में जरूर मिलूंगी। अच्छा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सिद्धार्थ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो तुम्हारे लिए ये सोचना भी पाप है। तुम समझते क्यों नहीं? आज वो यहाँ नहीं है तो मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें बताओ सिद्धार्थ, ऐसे आदमी के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? प्यार तो दूर की बात है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग तो मुझे यहां देख के हैरान हो गए होगे। नहीं तो प्लीज, 7 दिन के लिए कह के गया था और एक ही दिन में वापस आ गया। काम जल्दी खत्म हो गया होगा। हाँ, मेरी स्कीम पूरी हो गई। ये ऊंचाई से गिरता हुआ पानी मेरी स्कीम को जन्म देगा और इस तेजी से बहते हुए पानी को रोककर बिजली पैदा करूंगा। वहां एक पावर स्टेशन बनाऊंगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? जरा आगे बढ़ के तो देखो। हाँ हाँ, किया जा सकता है यहां? क्यों नहीं, हिम्मत हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चलो दोस्त, हम दोनों मिलकर इस इलाके को स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है तो। अब बताओ, वहां के पानी के बहाव में तेजी काफी है ना? मेरे लिए काफी है। उस बहाव में हम दोनों में से एक को बह जाना पड़ेगा। घबराओ मत, जरूरत पड़ने पर मैं ही बह जाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आपने आज मुझे खत्म करने की कोशिश नहीं की? मैंने? जी हां, आपने। मरने का मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मेरी मौत से एक घर बर्बाद हो सकता है। किसका घर? आपका। आप कितने भी बड़े मालिक क्यों ना हो अलोक बाबू,
हत्या हत्या होती है, आप उसे छुपा नहीं सकते। एक दिन आपने मुझे दोस्त कहा था और मैंने सच्चे दिल से आपको दोस्त माना था। मैं आपका बुरा नहीं चाहता, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊं। जाने से पहले तुम्हें यह बताना होगा कि मीता के साथ तुम्हारे संबंध किस गहराई तक पहुंच चुके हैं। इसके बारे में मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। नॉनसेंस, बात तो करनी ही पड़ेगी, वरना तुम यहां से जा नहीं सकते। मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं अपने बलबूते पर ले सकता हूं, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए सिद्धार्थ। एक भीख तो आप ले ही चुके हैं। कौन सी भीख? मेरे एहसान की। मतलब? आपने मुझे मारने की कोशिश की जिसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको माफ किया। डरिए मत, इसका जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगा। ठहरो, जिक्र करना ही सबूत नहीं होता। सबूत की जरूरत सिर्फ बुजदिलों को होती है आलोक साहब। मेरी इस भीख के साथ आपको सारी जिंदगी बितानी होगी। Lucy, 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 Lucy. Come on, come on, Lucy, come on. Lucy, Lucy, Lucy. ये क्या? आपने इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया? हाँ, सिद्धार्थ को जरा जल्दी जाना था। लाइए इसे मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दो। लूसी को तो मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसे मैं खत्म कर देता हूं। मैं जानता हूं कि यह पपी तुम्हें सिद्धार्थ ने दी थी, और सिद्धार्थ तुम्हें। आप चाहते क्या है? तुम्हारा प्यार, पर तुम तो हमेशा मुझसे दूर दूर ही रहती हो। मीता, अब यह दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मीता, कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे ये मत भरे नयन, ये रसीले होंठ, ये मखमली बदन, इतनी खूबसूरती अच्छी नहीं मीता, अच्छी नहीं।
ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं तो मीता से प्यार करता हूं, फिर भी बंबई आने पर मन उदास रहता है, आंखें तुम्हें देखने को तरसती हैं मीता, लेकिन इंतजार तो करना ही होगा तुम्हारा। सिद्धार्थ, तुमने कभी हम दोनों का भला बुरा सोचा ही नहीं। इस घटना के बाद भी क्या मेरा वहां रहना मुनासिब था? अच्छा हुआ तुम वहां से चली आई। अब तुम्हारा वहां रहना खतरे से खाली नहीं। तुम चिंता मत करो, यहां तुम्हें किसी बात का डर नहीं। हेलो मीता, तुम? आलोक, हेलो। हाँ मीता यहाँ है। हालात को देखते हुए अपने आप को बचाने की खातिर वो यहाँ चली आई। तो क्या तुम्हारे पास रह के उसका बचाव होगा? एक कुंवारी लड़की का तुम्हारे पास रहना, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता तो? रिश्ते बनाने मुझे आते हैं आलोक साहब। ओ, यानी तुम उससे शादी कर लोगे? करनी ही पड़ेगी। आप ही तो कह रहे हैं कि एक कुंवारी लड़की का किसी के साथ इस तरह। हेलो ट्रंक, गेट मी बॉम्बे 533924। यस अर्जेंट। डरने की कोई बात नहीं बेटी, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिद्धार्थ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम इस घर की बहू बनो, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हेलो। हेलो दोस्त। दोस्त?
आई एम सॉरी दोस्त, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इस रिश्ते को और बदनाम नहीं करना चाहता। जलन की आग में मैं अंधा हो गया था और अपने अंधेपन में यह भी ना देख सका कि मीता तुमसे प्यार करती है। मैं तुमसे सिर्फ यह सुनना चाहता हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरे माफ करने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है दोस्त। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो, तुम्हारा हक है वो, लेकिन एक मौका और दे दो मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार यहां चले आओ। लेकिन ना मत करो दोस्त, प्लीज। दोस्त तुम तो जानते हो कि मां मीता से और तुमसे कितना प्यार करती हैं। क्या तुम उनका आशीर्वाद लेने भी नहीं आओगे यहां? मां जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। ओके, सी यू। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो पागल है। मां जी ने बुलाया है, जाना ही होगा। लेकिन अगर आलोक ने कुछ? तुम फिक्र न करो मीता, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूं। मीता अगर मेरी नहीं हो सकती तो सिद्धार्थ की भी नहीं होगी। साहब खाना तैयार है, ले आओ। मैं खाना नहीं खाऊंगा, जाओ, मुझे तंग मत करो, जाओ यहां से। अच्छा, मीता की कोई खबर मिली? हाँ, वो तो वक्त पे आ जाएगी माँ, उसके पिताजी की तबीयत अब ठीक है। माँ एक बात पूछूँ? माँ पूछो। शादी में तुम अपनी बहू को क्या क्या दोगी? क्या दूंगी? एक तो मैं उसे अपना बेटा दूंगी। और जो कुछ भी मेरे पास है सब उसी के लिए तो है। हाँ, वो तो है ही, फिर भी तू देखना चाहता है? ले देख, जा तिजोरी में देख क्या क्या मैंने जमा करके रखा है तेरे लिए। गए तुमने मेरी इज्जत रख ली दोस्त, तुम मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आओ दोस्त। ये सब क्या है? मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मीता मेरा तोहफा कबूल नहीं करेगी, यही ना? लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम इनकार ना करो प्लीज। जो चीज वो नहीं लेगी वो मैं कैसे ले सकता हूं? कम से कम दोस्त का दिल रखने के लिए तो ले लो।
वरना मैं समझूंगा कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। माफी क्या खरीदी जा सके? मुझे और शर्मिंदा ना करो दोस्त, मैं मजबूर हूं। मैं जानता था तुम मेरा तोहफा नहीं लोगे, लेकिन ये सारे गहने मां ने मीता के लिए बनवाए थे दोस्त। दरअसल ये उन्हीं की भेंट है। मां जी की भेंट? हाँ, जब मैंने तुम दोनों के शादी के बारे में मां से कहा तो वो बहुत खुश हुई। तुम ये सब नहीं लोगे तो मां को भी बहुत दुख होगा। मां जी कहाँ है? यहीं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तुम पराए तो नहीं, जरूर मिल सकते हो, लेकिन अब तो सो गई होंगी, सुबह मिलकर फिर चले जाना। रात मैं यहां गुजारना नहीं चाहता। क्यों? तुम्हें मुझ पे इत्मीनान नहीं? मुझ पे एतबार नहीं? मुझ पे एतबार नहीं? क्यों 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 नहीं है मुझ पे एतबार? सरकार, क्या बात है? किसने बुलाया तुम लोगों को? चले जाओ यहां से, गेट आउट। मुझे माफ करो दोस्त, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं जानता हूं, शायद नीता को तुम्हारा यहां रहना पसंद ना हो। कोई बात नहीं, लेकिन यह सब यहां से लेके जाओ। मेरे पाप की सजा मेरी मां को क्यों देना चाहते हो दोस्त? मां जी को? अच्छा ठीक है, ले जाता हूं। मुझ पे शक है? रात के समय इतने सारे गहने लेके जा रहे हो, हिफाजत के लिए जरूरी है। हथियार तो हमेशा अपना ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं? खिलौना नहीं है, भरी हुई पिस्तौल है। मुझे जरूरत नहीं। ले लो। चलता हूं। थैंक यू दोस्त। गुड बाय। Good night.
खून। खून? अरे छोटे सरकार का खून, खून हो गया छोटे सरकार का, खून हो गया, खून हो गया छोटे सरकार का, खून हो गया छोटे सरकार का, खून हो गया छोटे सरकार का, खून हो गया। जानी तानी चा पापा नी जन्मांतर करते इंचा तस्मात करुण भावे ना रक्षा रक्षा जनार्दना। सप्तपदी पूरी हुई, सप्तपदी पूरी हुई। अब आप अपनी अपनी वरमालाएं बदल लीजिए। अब आप इनकी मांग में सिंदूर भरिए। सिद्धार्थ, इंस्पेक्टर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। सिद्धार्थ शर्मा आप ही का नाम है? जी हाँ। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। इल्जाम? राघवपुर के आलोक चौधरी का खून। क्या? ये झूठ है। नहीं नहीं ये झूठ है। इसका फैसला अदालत करेगी। आई मेरे साथ। नहीं आई एम सॉरी। योर ऑनर, आलोक चौधरी एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी जिंदगी काबिले गौर है। दिमागी बीमारी की वजह से बरसों वो एक पागलखाने में रहा। वो पूरी तरह ठीक होने के बाद ही घर पर आया। मैं दावे से कह सकता हूँ योर ऑनर, मोहब्बत में कामयाब ना होने की वजह से आलोक चौधरी ने आग की जलन से पागल होकर खुद ही अपनी जान दे दी। मिलॉर्ड, इस अदालत में मकतूल के खुदकुशी करने का कोई सबूत कभी पेश नहीं किया गया। मेरे काबिल दोस्त शायद इस बात को भूल रहे हैं मिलॉर्ड कि अदालत को सबूत चाहिए होता है। पुराने मैनेजर गुप्ता और नौकर रामू के बयान के मुताबिक मुलजिम का मकतूल से झगड़ा, फिर मुलजिम के पास से कीमती जेवरात का बरामद होना, और सबसे अहम बात मिलॉर्ड, जिस पिस्तौल से कत्ल हुआ उस पर मुलजिम की उंगलियों के निशान, इस बात की गवाही देते हैं कि कानून की नजर में मुलजिम सिद्धार्थ शर्मा ही मकतूल आलोक चौधरी का कातिल है। इस अदालत में पेश की गई शहादतों और गवाहों के बयान से मुलजिम सिद्धार्थ शर्मा वल्द दीनानाथ शर्मा पर दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक राघोपुर के मकतूल आलोक चौधरी वल्द रंजीत चौधरी के कत्ल का इल्जाम पूरी तरह साबित होता है, और ये अदालत मुलजिम के लिए मुल्क के कानून के मुताबिक सजाए मौत का हुक्म देती है। मुझे अफसोस है बेटी, इस मुकदमे में हम सिद्धार्थ को बचा नहीं सके। अंकल, उन्हें कैसे भी बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने पूरी कोशिश की थी बेटी, पूरी कोशिश की थी। बैठो। एक के पागलपन की वजह से ये घर एक बार पहले भी उजड़ चुका है, अब दूसरे के पागलपन की वजह से फिर वही हो रहा है। वो निर्दोष है, मुझे पता है वो निर्दोष है। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, अब तो भगवान ही मालिक है। हेलो जी, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर्स? हाँ, मैं सिद्धार्थ शर्मा की पत्नी या उनके किसी करीबी रिश्तेदार से बात करना चाहता हूँ। जी हाँ कहिए। उनकी पत्नी को खबर दे दीजिए कि परसों सुबह 6 बजे उनके पति को फांसी लग जाएगी। अगर वो चाहे तो कल जाकर उन्हें मिल सकती है। हेलो 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 बहू बहू। हेलो, रॉय हियर। क्या मीता बेहोश हो गई? अच्छा अच्छा मैं अभी आता हूँ। हाँ बेटी,
नहीं पिताजी, मैं उनसे मिलने नहीं जा सकती, मुझे वहां जाने के लिए मत कहिए। लेकिन बेटी, वो तुमसे मिलना चाहता है, वरना जेल से फोन क्यों आता? हम उसे निराश नहीं कर सकते बेटी, वो जरूर तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता है। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे और मैं उन्हें एक टक देखते रह जाऊंगी। हिम्मत से काम लो बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, विश्वास करो, मैं निर्दोष हूं। तो फिर मैं तुमसे इस जन्म में न सही, अगले जन्म में जरूर मिलूंगी। मेरी बात मानिए, सिद्धार्थ शर्मा निर्दोष है। सिद्धार्थ शर्मा ने आलोक चौधरी का खून नहीं किया। जेलर साहब, फैसला गलत भी हो सकता है, जरा सी लापरवाही एक बेकसूर को फांसी पे लटका देगी। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मुकदमे के वक्त आप कहाँ थे? जी मैं यूरोप में था, वहां से आने के बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ। जेलर साहब, आलोक मेरा मरीज था और मैं ऐसे मरीजों की दिमागी हालत अच्छी तरह समझता हूँ। इन बातों का कोई सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत हासिल करने के लिए तो वक्त चाहिए जेलर साहब, तब तक अगर आप किसी तरह फांसी। I'm sorry, I cannot help you in this matter. फांसी रोकने के लिए आपको होम सेक्रेटरी मिस्टर कामत के पास जाना पड़ेगा। I know मिस्टर कामत, come on, let's rush. Thank you sir. जेल सुपरिटेंडेंट ने ठीक ही कहा है, बिना किसी सबूत के न तो मैं फांसी रोक सकता हूँ और न ही वक्त दे सकता हूँ। कानून की जंजीर ने मुझे जकड़ रखा है। I'm sorry, मैं मजबूर हूं। ओके, चलो बेटे। तुम मुझसे चाहती क्या हो? अब भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुम, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कैसे अपने बेटे के खूनी को निर्दोष कह दूं? लेकिन सिद्धार्थ भी तुम्हारा बेटा है और उसके निर्दोष होने का मुझे यकीन हो चुका है, वरना मैं तुम्हारे पास कभी ना आता। अब तुम इन सब की मां हो, मीता को तुमने अपनी बेटी की तरह पाला है। मत भूलो कि एक दिन यह हरा भरा संसार रंजीत के पागलपन की वजह से उजड़ गया था। अगर सिद्धार्थ को फांसी हो गई तो तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। करुणा, करुणा। हाँ करुणा, आज बरसों के बाद मैं तुम्हें इस नाम से पुकार रहा हूं। मेरी बात मान लो करुणा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो अनुपम, मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर सेन आलोक के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर सेन आइए। माफ कीजिएगा मिस्टर चौधरी, क्या आप बता सकती हैं कि आलोक के पिता ने आत्महत्या क्यों की? उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा था, वो मेरे प्यार को किसी की दी हुई भीख समझते थे। भीख समझते थे? मेरे ख्याल में आलोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, वो भी नीता के प्यार को सिद्धार्थ की दी हुई भीख समझता था। अगर ऐसा था तो उसने जरूर अपनी डायरी में लिखा होगा, क्योंकि वो जो कुछ भी करता था पहले उसे अपनी डायरी में लिखता था, बाद में उस पर अमल करता था, जैसा कि उसने अस्पताल से भागने से पहले भी किया। आप पूछना क्या चाहते हैं? क्या वो घर आने के बाद भी डायरी लिखता था? शायद लिखता हो, मैंने खुद कभी नहीं देखा। नहीं दिखा है। तो कहाँ है वो डायरी? जल्दी लेके आइए। यही डायरी। सिद्धार्थ मीता से शादी करेगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा और मेरे खून का इल्जाम सिद्धार्थ पर होगा। इधर लाइए डायरी। नहीं नहीं,
सिद्धार्थ से बदला लेने का यही मौका है। मैं इसे चला दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुप्ता, कामत साहब आए? अभी तक तो नहीं आए। आपको ऑफिस में नहीं मिले? नहीं, वहां से तो निकल चुके हैं। फांसी लगने में सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, अब उनका यही इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी बार नहाने से क्या फायदा? सुनिए, आज तो मालिक के पास जाना है, शुद्ध होकर जाना चाहिए। भगवान का नाम लोगे? पंडित को भेज दूं? मालिक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, आदमी से अब वो भी नहीं। निर्मल जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है। अदालत के हुक्म और मुल्क के कानून की बिना पर मुजरिम सिद्धार्थ शर्मा वल्द दीनानाथ शर्मा को जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक राघवपुर के आलोक चौधरी वल्द रंजीत चौधरी का खून करने के जुर्म में आज 21 नवंबर 1978 की सुबह 6 बजे फांसी दी जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कह सकते हो। कोई आखिरी ख्वाहिश? जी। तो यहां दस्तखत कीजिए।
गवर्नर साहब के ऑर्डर्स। फांसी रोक दीजिए। फांसी का फंदा खोल दो। मास्क निकाल दो। हथकड़ी खोल दो। पैर की पट्टी खोल दो। मुलजिम की बेगुनाही का सबूत मिल जाने की बिना पर मैं राज्यपाल राष्ट्रपति की आज्ञा से मुलजिम सिद्धार्थ शर्मा को फांसी देने का हुक्म रद्द करता हूं और उसे बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देता हूं।